अब विनय जी, मैं आता हूं पावर सेक्टर पे, एनर्जी पावर ये भी बजिंग सेक्टर हैं और फेवरेट रहे हैं तमाम एक्सपर्ट्स के। 10 से 15 दिनों का ये जो हमारा पूरा दायरा है, इसमें किन पावर शेयरों पर फोकस किया जाए, कहां पैसा लगाया जाए? जी, तो एक पीएसयू स्टॉक है एनएचपीसी, तो एनएचपीसी, एसजेवीएन, ये पीएसयू पावर रिलेटेड स्टॉक्स में अच्छी खासी एक हमने एक मूवमेंट देखी थी पिछले कई महीनों से। इन सब स्टॉक्स ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दिए हैं और अभी भी हम अगर चार्ट्स देखें तो चार्ट्स में काफी कन्विंसिंग और अपसाइड काफी लिमिटेड है, काफी अवेलेबल है इस लेवल से भी ऐसा दिख रहा है। तो फ्रेश ब्रेकआउट्स ऑन द शॉर्ट टर्म चार्ट्स और प्राइमरी ट्रेंड पहले से ही ये पूरे सेक्टर का पावर और पावर रिलेटेड जो थीम है पूरी वो काफी अच्छी प्ले कर रही है। तो एनएचपीसी एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे काफी कन्विंसिंग लग रहा है। 107 106 के करीबन उसका प्राइस चल रहा है। मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि इसको दो हिस्सों में लीजिए, 107 पे 50% और रेस्ट ऑफ द 50% कैन बी बॉट एट 103 और स्टॉप लॉस आपका 100 रुपीज का होना चाहिए अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं और 10 से 15 दिन का नजरिया रखते हैं। और अपसाइड में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये स्टॉक आपको 118 119 के टारगेट आपको अपसाइड में दिखा सकता है। तो पावर और पीएसयू दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक फायदा दिला सकता है और टेक्निकल सेटअप काफी कन्विंसिंग है। 118.50 का टारगेट मुझे आने वाले 10 से 15 सेशन में दिख रहा है। ठीक है, तो विनय रजानी जी की पसंद एनएचपीसी। आपको बता दें कि अभी जिस लेवल पे है वहां से भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन अगर कोई डिप में खरीदारी करनी है तो 103 का अहम लेवल है, यहां पर भी आपको खरीदारी का मौका बनेगा। लक्ष्य ये जो 10 से 15 दिन का हम बता रहे हैं, यहां पर 118 और उसके ऊपर तक के लक्ष्य आपको हासिल होंगे। आप स्विंग ट्रेडर हैं, 10 से 15 दिनों के बीच में आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस का खास रूप से ध्यान रखिएगा, 100 का यहां पर स्टॉप लॉस लगाना है।